हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज हम बनाएंगे चिकन से भी टेस्टी सब्जी बिना चिकन के, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम मैदा। मैदे में हम पानी डाल लेंगे। पानी डालकर मैदे का बैटर बना लेंगे। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इस तरह का थिक बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने में एक गिलास पानी का यूज हुआ है। अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेंगे। हल्दी पाउडर ऑप्शनल है। थोड़े से डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी के पत्ते और इन्हें बैटर में मिक्स कर लेंगे। बैटर बनकर तैयार है। अब हम लेंगे फूल गोभी के इस तरह से कटे हुए पीस। गोभी के एक एक पीस को हम बैटर में डुबोकर गरम तेल में डाल लेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी गोभी के पीसेज को फ्राई कर लेंगे। सारी गोभी के पीसेज को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में हम एक कड़छी तेल गरम कर लेंगे। गरम तेल में आधा चम्मच जीरा डाल लेंगे, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और एक टुकड़ा दालचीनी का इसमें डाल लेंगे। 3 से 4 डाल लेंगे इसमें गरम पत्ते और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। मसाले लाल हो गए, अब हम डाल लेंगे इसमें प्याज का पेस्ट। लहसुन और अदरक को भी मैंने प्याज के पेस्ट में ही डाल लिया है। लहसुन और अदरक को भी मैंने प्याज के साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। प्याज को हम लाल होने तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इन्हें लगातार ऐसे ही चलाते हुए फ्राई करना है। प्याज लाल हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमाटर को भी हमने मिक्सी में पीस लिया था। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल लेंगे, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हो। 1 चम्मच डाल लेंगे इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा गिलास पानी। पानी को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। ग्रेवी को हम थोड़ी देर पका लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को इसमें मिला लेंगे। जब मैंने इसमें गरम मसाला डाला तो कैमरा बंद हो गया था, आप जरूर डाल लेना। अब हम डालेंगे इसमें फ्राई की गोभी। गोभी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तैयार है बिना चिकन के भी चिकन से भी टेस्टी सब्जी। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।